टीएम आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। बट डी dz तो बेटा यहाँ टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा इसका मतलब टी इज अ फंक्शन ऑफ जेड ठीक है टीम आई से ग्राफ अगर टी डब्ल्यू वो लेसर होगा TMI से सो so इवन so आप में देख सकते हो ठीक है सेंजल की बुक में आप देख सकते हो हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट वाला सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और यार गेट 2024 का एग्जाम हो गया है आई ने जो रिस्पांस शीट है वो रिलीज कर दिया है और साथ में आपके पास जो आंसर की है वो भी आपके पास आई ने रिलीज कर दिया है हीट ट्रांसफर का बेटा एक क्वेश्चन था ठीक है जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो ठीक है जो आई का जो आंसर की है उस आंसर की को आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो ठीक है वो क्वेश्चन क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी बात हवा में नहीं होने वाली आपको प्रॉपर प्रूफ मिलने वाला है ठीक है जो भी हम स्टैंडर्ड बुक प्रिफर करते हैं ठीक है वो स्टैंडर्ड बुक का आपको जो प्रूफ है वो भी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले तो आ, हम क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन आपके पास गेट 2024 में आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ है गेट 2024 में आपके पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन में बोला हुआ है कंसिडर अड्रोडाइनमिकली फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप विद द फ्लो अलॉन्ग द एक्सेस ठीक है और जो पाइप का जो एक्सिस है वो आपके पास जेड डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टी इज द द द ऑफ इज इज वॉल एंड द बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है चार ऑप्शन यहां पे गिवन है जिसमें पहले ऑप्शन में आपके पास बोल रहा है कि फॉर अ थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो डेल्टी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज

जो आईआईटी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो आंसर है आंसर डी ठीक है डी को आईआईटी ने आ, सही आंसर दिया है बट इस क्वेश्चन को अगर मैं देखू बेटा तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली ना मार्क्स टू ऑल होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ठीक है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है चारों ही ऑप्शन आपके पास गलत है ठीक है एक एक ऑप्शन को हम लोग अभी यहाँ पे गलत प्रूव करने वाले हैं विथ प्रॉपर ठीक है गलत प्रूफ करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ठीक है चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन में बोला हुआ है है कि आपके पास फुल्ली लैमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप में तो दिस इज अ सर्कुलर पाइप और इस सर्कुलर पाइप में आपके पास ठीक है हाइड्रोडायमिकली फुल्ली डेवलप फ्लो कंडीशन है वॉल का जो टेम्परेचर है वॉल का टेम्परेचर आपके पास है टी डब्ल्यू ठीक है वॉल का जो टेम्परेचर है ठीक है वॉल का जो टेम्परेचर है, है ये जो आ, पाइप आप देख रहे हो पाइप का जो सरफेस है पाइप का जो वॉल है उसका टेम्परेचर आपके पास है टी डब्ल्यू और जो लोकल फ्लुड टेम्परेचर है ठीक है जैसे कि अगर मैं मैं बात करूं पर्टिकुलर लेट अस कंसीडर एट एट अ अ रेडियल रेडियल डिस्टेंस डिस्टेंस आर आर यहां पे अगर मैं की बात करूं तो दैट टेम्परेचर इज टी ठीक है ये टेम्परेचर आपके पास क्या है ये टेम्परेचर आपके पास है टी तो टी बेसिकली है क्या टी इज द लोकल फ्लूड टेम्परेचर और बेटा ये जो टी है ठीक है ध्यान से सुनिएगा ये जो टी है इस टी के लिए मैं बोल सकता हूं कि दिस टी इज अ फंक्शन ऑफ दिस टी इज अ फंक्शन ऑफ आर ये तो आप देख ही रहे कि जो टी है वो रेडियल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है ठीक है फ्लूड की हीटिंग हो या फ्लूड की कूलिंग हो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये एज्यूम करके चला है कि टी डब्ल्यू जो है वॉल का जो टेम्परेचर है ठीक है वो ज्यादा है ये जो फ्लूड है फ्लूड के बल्क का जो बल्क मीन टेम्परेचर है इनलेट पे उससे क्या है उससे आपके पास ज्यादा ये मैंने एज्यूम किया हुआ है टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इलेट बल कमिंग टेम्परेचर मैंने एज्यूम किया हुआ है ठीक है आप रिवर्स भी एज्यूम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उसमें सेम आपके पास कंक्लूजन आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा कि की जो फ्लूड है उसके अकॉर्डिंग सो टी इज फंक्शन ऑफ आर ये तो आपको दिख ही रहा है कि भैया जैसे जैसे आप रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हो कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो बेरी कर रहा है फ्लुइड का और अगर मैं आर को फिक्स कर दू तो ये भी क्लियर है ये भी क्लियर है कि देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा ठीक है जो टेम्परेचर यहां पे है वो टेम्परेचर यहां पे नहीं रहने वाला है क्योंकि फ्लूट की या तो हीटिंग होगी या तो कूलिंग होगी तो एट ए पर्टिकुलर आर टी इज अ फंक्शन ऑफ जेड ऑल्सो ठीक है मतलब ये जो टी आप देख पा रहे हो ना यार ये जो टी आप देख पा रहे हो दिस टी इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड जेड ये हो गया ठीक है अब देखो अब मैं ना सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करता हूं ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है फॉर थर्मली फुली डेवलप फ्लोडी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो जो ऑप्शन ए है इसमें बोला हुआ है कि डेल टी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल गलत है ये तो बिल्कुल गलत है टी इज अंक्शन ऑफ जेड आपको दिख रहा है एट ए पर्टिकुलर आर अगर मैं आर को फिक्स कर दू तो टी इज अ फंक्शन ऑफ जेड ये आपको दिख रहा है सो भैया होगा ठीक है डेल्टी बाई डेल जेड जीरो होगा बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर आर सो so, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ठीक है चलो ऑप्शन नंबर बी में बात करते हैं फॉर कॉन्स्टेंट वॉल टेंचर ऑफ द डग दी टी एम बाईटेंट सो ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में आपसे बोल रहा है कि डी टी एम बाई डी जेड डी टी एम बाई डी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलने का मतलब यह है कि जो मीन टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा है ना मीन टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा z डायरेक्शन में लीनियर होगा इसका मतलब तो यही है ठीक है बट बेटा ये जो वेरिएशन है ना ठीक है mean temperature का जो variation है, z direction में वो linear नहीं होता, that variation, that variation is a exponential variation. ये हम लोगों ने प्रूफ किया है ये हम लोगों ने किया है, यूजिंग द एनर्जी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैलेंस ये हम लोगों ने प्रूफ किया है और मैं आपको क्लासरूम का नोट्स भी अभी आपको शो करने वाला हूँ बात समझ में आ रही है मैं प्रूफ भी शो करूंगा स्टैंडर्ड बुक का और साथ में क्लासरूम का जो नोट्स होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे आ, दिखाने वाला हूँ ठीक है सो so ये जो वेरिएशन है दिस वेरिएशन इज अक्सपोनेशियल वेरिएशन टी का जो वेरिएशन होगा टी का जो वेरिएशन होगा जेड के साथ दिस वेरिएशन इज अ अक्सपोनेशियल वेरिएशन एक्सपोनशियल वेरिएशन बेटा लीनियर नहीं होगा ठीक है तो so ये जो ऑप्शन है ये जो ऑप्शन है डी टी एम बाई डी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी आपके पास क्या है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ये भी आपके पास गलत है स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रहा है कि नसेट नंबर जो है वो लीनियरली वेरी करेगा जेड डायरेक्शन में अगर फ्लो क्या है फ्लो फ्लो आपके पास थर्मली फुल्ली है है आई विल शो यू द नंबर नंबर वेरिएशन वेरिएशन ये का ठीक है ये आपके पास क्या है ये आपके पास नसेट नंबर का वेरिएशन है जेड डायरेक्शन में थर्मली डेवलपिंग फ्लो अगर फ्लो आपके पास थर्मली डेवलपिंग फ्लो है तो नसेड नंबर आपके पास डेफिनेटली जैसे जैसे जेड डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे ठीक है थर्मली डेवलपिंग रीजन में नसेट नंबर की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होते जाएगी और थर्मली डेवलप रीजन में नसेट नंबर की वैल्यू क्या होगी द नसेट 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 नंबर 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 वैल्यू 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 इज की की क्या होगी होगी ठीक है लीनियरली वेरी नहीं करेगा नसेट नंबर की वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी तो ये जो ऑप्शन है ठीक है ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में जो बोला हुआ है कि नसेट नंबर वेरीज नसेट नंबर वेरिज लीनियरली फुली डेवलप फ्लो थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो ये भी आपके पास गलत है न सेन्ट नंबर वेरी इज लीनियरली इन थर्मली फुल्ली डेवलप फ्लो ये भी आपके पास क्या ये भी आपके पास गलत है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है तो ए गलत है बी गलत है सी गलत है अब जो हमारे पास डिस्कशन हमें जो करना है वो करना है स्टेटमेंट नंबर डी पे या ऑप्शन नंबर डी पे और आईआईटी ने जो ऑप्शन नंबर डी है इसी को सही आंसर दिया हुआ है फॉर कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर ऑफ द डी टी एम बाई डी जेड इंक्रीजेस एक्सपोनशियली डी टी एम बाई डी जेड इंक्रीजेस इनक्रीजेस इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेशियली ठीक है ये भी आपके पास गलत है अभी मैं प्रूफ कर दे रहा हूं देखो बेटा यहां पे देखो ठीक है क्वेश्चन में बोला है टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी एम आई ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है ये आपके पास क्या है ये आपके पास मीन टेम्परेचर का वेरिएशन है जेड के साथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहां पे स्लोप फाइंड आउट करो भैया डी टी एम बाई डीजेट है बेसिकली क्या स्लोप ही तो है अरे डी टी एम बाई डीजेट बेसिकली है क्या स्लोप ही तो है तो अगर मैं यहां पे स्लोप फाइंड आउट करूँ और मैं यहां पे स्लोप फाइंड आउट करूं देखो अगर मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करता हूँ तो देखो दिस इज द स्लोप दिस इज द थीटा वन और अगर मैं यहां पे स्लोप फाइंड आउट करूं तो देखो दिस इज द स्लोप थीटा ये हो गया तो जैसे जैसे आप जेड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपके पास जो स्लोप है इवन आप यहां से भी कैलकुलेट कर, कर सकते हो यहां से भी आप डी टी कैलकुलेट कर सकते हो डी टी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है दिस इज दिए डायरेक्शन ठीक है यहां पे एक्स की जगह पे जेड आएगा यहाँ पे x की जगह पे z आएगा क्योंकि जब हम क्लास में करते हैं ना तो हम x डायरेक्शन ले लेते हैं ट्यूब का जो एक्सिस है उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं बट यहाँ पे z बोला हुआ है तो यहाँ पे मैं z लिखता हूं ठीक है तो बेटा यहां से डी टी एम बाई डी आप कैलकुलेट कर सकते हो ये भी आपके पास क्या होगा ये भी आपके पास आएगा और एक्सपोनशियल डीके करेगा एक्सपोनशियल डिक्रीज करेगा इंक्रीज नहीं करेगा और यहाँ पे ग्राफ से ये क्लियर है ग्राफ से ये क्लियर है यहाँ पे जो आपके पास स्लोप है दैट इज थीटा वन यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज थीटा टू मतलब इसका मतलब क्या है डीटीएम टी एम बाई डी जेड डिक्रीजेस डिक्रीजेस और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ठीक है बट यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन में क्या दिया ऑप्शन में दिया है इंक्रीजेस तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये ऑप्शन फ्रेम करते टाइम पे डिक्रीज uh, लिखना चाह रहा हूं बट हो सकता है इंक्रीज uh, बोल दिया गया हो या फिर अगर टीएम की बात करता कि भैया टीएम जो होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा दैट इज ऑल्सो फाइन ठीक है वो भी सही होता कि टीएम जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीएम आपके पास क्या हो रहा है टीएम 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 आपके 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 पास sorry, आपके पास आपके पास सॉरी क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है बट डी टी एम बाई डीट तो बेटा डिक्रीज ही होगा ठीक है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इसलिए ये भी ऑप्शन आपके पास क्या है दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है तो इसीलिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन भी गलत है बी ऑप्शन भी गलत है सी ऑप्शन भी गलत है डी ऑप्शन भी गलत है तो इस क्वेश्चन में आपके पास मार्क्स टू ऑल होना चाहिए ठीक है अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो एक्सप्लेन कर दिया ठीक है इवन आई शो यू द क्लासरूम नोट्स ऑल्सो मैं आपको क्लासरूम का नोट क्लासरूम का जो नोट्स है वो भी मैं आपको शो uh, करता हूं ठीक है ये आपके पास कन्वेक्शन का लेक्चर नंबर सेवन ठीक है कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर ये देखो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन हम पढ़ रहे हैं इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन में इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है सारी चीजें आपके पास एक्सप्लेन की गई है देखिए सारी चीजें आपके पास एक्सप्लेन की गई है जस्ट वन मिनट एक एक करके आप देख सकते हो ठीक है थर्मल बाउंड्री लेयर की बात हो रही है दिस इज अ थर्मली डेवलपिंग रीजन दिस इज अ थर्मली डेवलप रीजन ठीक है एट ए पर्टिकुलर आर यहीं पे यहाँ पे भी मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि एट ए पर्टिकुलर आर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा इसका मतलब टी इज अ फंक्शन ऑफ जेड ठीक है अगर हम आर को फिक्स करते अ फंक्शन ऑफ जेड यहाँ पे मैंने एक्स बोला होगा बस ठीक है ये सारी चीजें देखिए सेम चीज टी लोकल फ्लूड टेम्परेचर टी एस इज द सर्फेस टेम्परेचर टी एम इज द मीन टेम्परेचर बल्क मीन टेम्परेचर ठीक है इवन आई मैं आपको ग्राफ भी शो करता हूँ ये एनर्जी बैलेंस है ठीक है और इस एनर्जी बैलेंस के माध्यम से ठीक है यहां तक हम प्रूफ करते हैं कि थर्मली डेवलपिंग रीजन में नसेट नंबर इज फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ जेड ठीक है नसेट नंबर थर्मली डेवलपिंग रीजन में बट थर्मली थर्मलीप रीजन में नसेट नंबर इज कॉन्स्टेंट एक्स या जेड के साथ वेरी नहीं करेगा ठीक है ये थर्मल इंटरसेंट की कहानी ओके ये देखो ये कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर ये एनर्जी बैलेंस मैंने परफॉर्म किया है और बेटा यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेन यही मैंने लिखा हुआ है अभी ये मैंने लिखा हुआ है ठीक है या फिर ये आप देख सकते ये ठीक है भैया एल इधर जाएगा एल इधर जाएगा तो एक्सपोनशियली तो आएगा ना सो डेल्टी ठीक है ये जो डेल्टी है टी डब्ल्यू माइनस tm और ये जो डेल्टी आई है दिस इज ना टी एस माइनस tmi और टी डब्ल्यू माइनस टीएमआई ठीक है जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला है कहा गया कहा गया जस्ट वन मिनट ये हाँ ये वाला एक्सप्रेशन देखो ये वाला एक्सप्रेशन ये आपको दिख रहा होगा ये वाला एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो एनर्जी बैलेंस आप देख रहे हो वहीं से आया है ये क्लासरूम का नोट्स ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा ये जो क्लासरूम का नोट्स है वही मैं आपको शो कर रहा हूँ ठीक है और अगर, अगर आपके पास हीटिंग होगी ठीक है मतलब अगर टी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर है टी एम आई से सो दिस इज द ग्राफ अगर टी डब्ल्यू जो है वो लेसर होगा टी एम आई से सो दिस इज द ग्राफ ठीक है सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ठीक है अब बोलोगे सर हमें तो चैलेंज करना है तो नोट्स से तो काम चलेगा नहीं तो हम प्रूफ क्या दें तो बेटा प्रूफ मैं आपको प्रूफ के लिए मैं आपको देता हूँ ये अगर आप देख पा रहे होंगे ठीक है ये आपके पास है इसका जो सोर्स है ये है इन क्रॉपेरा एंड डेविड ठीक है इसका जो सोर्स है ये जो मैं आपको पीडीएफ शो कर रहा हूं इसका जो सोर्स है इन क्रॉपरा एंड डेविड ठीक है हीट ट्रांसफर की जो बुक है एंड एंड डेविड डेविड की ये आपके पास सोर्स है 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 ठीक ठीक इवन आप में देख सकते हो थेके? सेंजल की बुक में आप देख सकते हो ठीक है मैं आपको सेंजल की बुक का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा पी के नाग की बुक में आप देख सकते हो जेपी हॉलमैन की बुक में आप देख सकते हो ठीक है बेटा सारे सारे ही बुक्स में आपको सेम एक्सप्लेनेशन मिलेगा ठीक है तो यहां पे मैंने आपको प्रूफ के लिए जो इनकॉपरेंट डेविट है इनकॉपरेंट डेविट का जो बुक है उसका जो पी है ये मैंने अटैच किया हुआ है ठीक है ये सारा ग्राफ आप देख पाएंगे ठीक है हो सकता है कि आपको आ, जो शब्द है वो थोड़े छोटे हैं लेटर्स थोड़े छोटे इसलिए शायद उतना अच्छे से आप ना देख पाओ ठीक है बाकी ये आपको मिल जाएगा ठीक है ये है आपके पास नसेड नंबर का वेरिएशन ठीक है यही ग्राफ आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ठीक है मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक मिनट शायद मैं जूम कर पाऊँ तो हाँ ये हो गया ठीक है ये हो गया नेक्स्ट अगर आप देखोगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये हो गया कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर और यहां से अगर आप देखोगे कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है बेटा ये देखिए ये वाला ग्राफ ठीक है ये वाला ग्राफ ठीक है जो मैंने आपको अभी शो किया है कि यहां पे अगर आप देख रहे हो टीएम तो है टीएम तो डेफिनेटली इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है टीएम इंक्रीज एक्सपोनेंशियली लेकिन जो डी टी एम बाई डीजेड होगा डी टी एम बाई डी जेड होगा दिस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इज इट ओके ओके इवन आपके पास जो देखिए अगर आप और जूम करके अगर मैं शो करूं ये जो मैंने आपको अभी शो किया था टेम्परेचर का वेरिएशन मीन टेम्परेचर का वेरिएशन z के रिस्पेक्ट में ठीक है यहां पे भी x एक्स ठीक है और यहाँ से आप डी टी एम बाई डी एक्स ये कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है यहां पे इवन आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है दिस रिजल्ट टेल अस टेंचर डिफरेंस टीएस माइनस टीएम अगर आपको नहीं दिख रहा होगा यह लिखा हुआ एक्सपोनशियली डीके करेगा बेटा लिखा हुआ एक्सपोनशिये करेगा ठीक है विध डिस्टेंस अलॉन्ग दूब एक्सेस होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है फिर से मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे मैंने आपको जो चारों ही ऑप्शन है ठीक है चारों ही ऑप्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो बाकी बेटा जो प्रूफ जो आपके पास जो पी होगा वो मैं अपने टेलीग्राम में भी, भी शेयर कर दूंगा ठीक है आप वहां से भी उठा सकते हो ठीक है चैलेंज करने के लिए सोर्स है वो भी आप वहां से उठा सकते हो ठीक है बाकी थैंक यू सो मच यार फॉर दिस सेशन ठीक है बाकी और भी कोई दिक्कत अगर आप लोग फेस करते हो कोई भी दिक्कत और अगर आप लोग फेस करते हो तो बिल्कुल आप टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर